ये थोड़ा सा मैं पहले स्टीम कर रही हूँ। है पत्ता गोभी के पत्ते। तेरे कितने हो गए रे? तीन हो गए मेरे। दो पे आ गए खाना, और आज खाने में है हेलमेट। आइसक्रीम खा रहे हो? आज मैंने बहुत सारी सब्जियां निकाल दी, देखो जो जो थी मेरे पास, इन सब का यूज करके ही आज कुछ बनाएंगे स्पेशल। जो बनाऊंगी वो तो जरूर शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। राम राम जी, कैसे आप सभी? हम परजी तैयार है, आप सभी के ऊपर वाले का आशीर्वाद है, एकदम बढ़िया। सुबह के 11:30 हो गया और नाना धोना नहीं हुआ है, थोड़ा सा कुछ काम हुआ है। पपाया काटा है मैंने, पपाया अच्छे हैं जो लेके आए थे ना, धीरे धीरे पक रहे हैं और अच्छे हैं। ये योशी और मैं खाएंगे। योशी आ जा, निशु मना कर रही मैं नहीं खाऊंगी। योशी आज बेटा, कपड़े जी एक बार तो धो दिए, दो दिन से कपड़े नहीं धुल रहे थे, दोबारा मशीन चलाइए। और ये इधर अपना कुछ काम करने लगी, वो भी अपना कुछ काम कर रही है। छुट्टी है तो इनकी मौज मस्ती है, मेरा पूरे दिन काम चलेगा। मेरा तो वैसे भी चलता है, आज थोड़ा और बढ़ जाएगा। तो अभी करते हैं थोड़ा सा कुछ काम और स्पेशल कुछ बनाना, जल्दी से काम खत्म करके उस चीज़ के लग गए, क्योंकि टाइम लग जाएगा। और फिर टाइम लग जाए तो फिर पेट में चूहे दौड़ने लग जाते हैं। तो करते हैं अभी, चल पहले पपाया खा ले, मैं भी खाती हूँ ताकि थोड़े चूहे शांत हो जाए। चल आज जी फिर से आ गए हैं टन टन फ्रूट्स, ग्रेप्स। कई दिन में आए हैं, जब थे तब कई दिन खाए थे। अरे ऐसा तो हाथ ही काटते। क्या योशी उठा के लाए, बोले मेरा हाथ काटते। आज फ्रूट्स आ गए जी, योशी की बुआ जी फुफा जी लेके आए हैं आज फ्रूट्स। वाओ ग्रेप्स, निशु कह रही मैं तो ग्रेप्स खाऊंगा, अच्छे हैं ग्रेप्स का। जी अभी सीजन आ गया है ना, तो वही है कि खा लेते हैं भाई, सीजन की चीज खानी सबसे जरूरी है। जैसे ग्रेप्स का, एप्पल का भी है अभी सीजन। बनाना का खर यही है, ये बनाना है। योशी पकड़िए एक बार, ये तो जी ग्रेप्स हैं, ये बनाना है, और आए हैं इसमें एप्पल हैं। एप्पल भी अच्छे हैं, मोटे मोटे एप्पल हैं। तो ये देखो इधर कितना है, इधर मिल रहे हैं, इधर मैंने पूछा था कुछ दिन पहले, ऐसे नहीं थे, इससे छोटे छोटे एप्पल हैं, मतलब इससे कम अच्छी क्वालिटी के, वो 210 बोल रहे थे। तो ये तो और भी महंगे देंगे इधर लेंगे तो, उधर से काफ़ी सही आते हैं। ये एप्पल हैं, इसमें इसमें सब्जियां हैं, प्याज टमाटर नींबू ये सब चीज़ें आ गई, क्योंकि ऑरेंज अभी हमारे बच्ची पड़ी हैं तो ऑरेंज नहीं मंगाई, पपीता भी पड़े हैं, तो कई फ्रूट्स हो गए। तो थोड़े 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 अभी सबसे पहले ख़राब होने के तो बनाना रहेंगे, तो क्योंकि यार बनाना बहुत जल्दी येल्लो हो जाते हैं, तो इनको अखबार में लपेट के, पिछले टाइम भी मैंने ऐसे किया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा होती नहीं, इतनी खाई नहीं जाती, तो फ्रीज में रख देती हूँ, पर फ्रीज भी भरा रहता है, जगह करनी पड़ती है। अभी ग्रेप्स आ गए तो ग्रेप्स भी रखने हैं फ्रीज में, क्योंकि ग्रेप्स भी खराब हो जाएंगे। एप्पल तो बाहर रखे रहेंगे, चल जाएंगे। ग्रेप्स और बनाना, ये दो चीज़ फ्रिज में रखनी पड़ेगी जो एक्स्ट्रा है वो, और फिर धीरे धीरे जितनी यूज करते जाएंगे निकालते जाएंगे, तो इनको एडजस्ट करना है। देखती हूँ पहले मैं, थोड़ा सा फोन का काम है। निशु कहाँ गई? बच्चे आ गए जी घर पे, अभी अभी जस्ट आए हैं। और भाई कैसे हो, खाना खाया? आज हमने भी कुछ स्पेशल बन रहा है हमारा, अभी बना नहीं है, आ रही कुछ खुशबू नहीं आ रही। मैं दिखाती हूँ क्या बना रही, ये थोड़ा सा मैं पहले स्टीम कर रही हूँ। मोमोज बता दे, गैस कर लिया बच्चों ने। तो ये सब्जी है, इसमें और डालूंगी, पनीर डालूंगी, उसको स्टीम नहीं कर रही, तो ये भी बस हो गई, हल्की सी करनी थी, बाकी तो हो जाएगी। मैं ऐसे ही कर दी कि थोड़ी सी कर दी, क्योंकि मैं थोड़ा अलग बनाऊंगी। ये हैं पत्ता गोभी के पत्ते, तो इनमें रोल करके बनाने का सोचा है, पहली बार बना रही हूँ, कैसा बनता है कैसा नहीं, जैसे बनेंगे वैसे आप लोगों से शेयर कर दूंगी। तो इनको मैंने नमक के पानी में स्टीम वो कर लिया, उबाल लिया है, तो अब ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं, और इनके अंदर मैं सब्जी डालूंगी और फिर उनको थोड़ी सी देर स्टीम करूंगी। इसलिए मैंने सोचा ये भी मैंने अच्छे से उबाल लिया, सॉफ्ट हो चुके हैं, थोड़ा सा सब्जी को भी स्टीम कर लेती हूँ और थोड़ा हेल्दी रहेगा। बहुत सारी सब्जियां ली हैं जिनको मैंने स्टीम किया है, तो अनहेल्दी उसमें कुछ नहीं है। और थोड़ा आटा भी लगाऊंगी, क्योंकि मुझे नहीं पता ये जो पत्ते, ये गोभी के पत्ते हैं, इनमें किस तरह के मोमोज बनेंगे, अच्छे बन पाएंगे नहीं बन पाएंगे, और बच्चों का नहीं पता जी, क्योंकि बच्चों का ऐसा ही रहता है, खाएं नहीं खाएंगे। तो थोड़ा सा आटा भी लगाऊंगी, ऐसे नॉर्मली पराठा बना दूंगी स्टफिंग वाला, या फिर वैसे मोमोज का कहेंगे तो वो बना दूंगी, वो तो फिर एक जैसा ही हो जाएगा, कुछ उसमें फर्क नहीं आएगा। तो थोड़ा आटा भी लगाना है। और इसमें बन रही मोमोज की टमाटर वाली चटनी, मैंने ग्राइंड किए हैं तो ये, और एक हरी चटनी भी बनाऊंगी, जिसके लिए मैंने लहसुन छील लिया है, जो मैं बनाऊंगी हरे प्याज से और धनिए से, इन चीज़ों का यूज करके हरी चटनी बनाऊंगी। पर आज देख लो खाना खा लेंगे ना, जब क्लीन होगा किचन, तब तक तो ऐसा रहेगा पूरा किचन बिखरा पड़ा है, कहीं कुछ कट रहा है, काटने में सब्जियां कद्दूकस की बहुत टाइम लग गया। बच्चे आ गए, बच्चे भी खेलने लग जाएंगे, करने लग गए कुछ, और मैं अपना ही खाना पीना बना लेती हूँ। आज मैगी तुगी। तेरे कितने हो गए रे? तीन हो गए मेरे। दो मैं लास्ट में रह। एक दो तीन चार।
1 1 1 1 और मेरे दो देखा क्रॉस ही है। नहीं पहले आप ऐसे बैठे थे अलग तरीके से बैठे थे। और मेरी बारी है। यहाँ पे चल रहा है हम लोगों का खाना टाइम। खाना टाइम में है मोमोज। यहाँ है मोमोज ही थोड़े अलग है। गरम गरम खा रहे तेरे लिए। ये इनके ऊपर ठंडा बेटा तुम ठंडे। ये आगे मोमोज और इनके ऊपर ये लगा है गोभी के पत्ते और ये आगे पराठे। अलग मोमोज लग रहे हैं अभी। चलो बाय। पहुंच के कॉल कर देना एक बार ठीक है। ओके बच्चे चल दे बाय। चुप चाप चुप। अरे हेलमेट मजाक मत उड़ा। प्याज आया करा जी कवर में। वो मेरे भाई ने तो हेलमेट बना लिया अपना। और बाइक बाइक चल लग बने गए तो बाइक चल लग पीछे वाला टूट गई। ये मेरा बाइक चल लग। रुक रे बाइक चल लग। अरे अभी बाइक उधर बार पार्किंग है। अच्छा चल बाइक बार पार्किंग जी। 5 बज गए। थोड़ा सा चाय पीते हैं थक जाए। शाम होते होते ओ कपड़े धोए कि ना। योशी को जाना है कराटे क्लास में। 5 बज गए और ड्रेस भूल गई। तो वैसे तो 2 बार कपड़े धो दिए मैंने सुबह से पर योशी की कराटे वाली ड्रेस नहीं डाली। अब 3री बार धो रही हूँ उसमें डाल ली है। और अब 5 बज गए कब देखते हैं। जल्दी धूप वूप भी चली गई। अब तो धूप भी नहीं है कि धूप में सुखा दूंगी। धूप भी नहीं जा रही है। कैसे सूखेंगे या फिर आज बिना ड्रेस के चली जाएगी क्या करें देखते हैं। और अभी ये कपड़े पड़े जे एक बार के उतार लिए एक बार के बाहर सूख रहे थे एक बार के मशीन में चल रहे। और आज तो ये काम तो भूल गई। मेरे को तो सिलना था मेरा कुर्ता याद ही नहीं रहा। और गया अब तो दिन 5 बज गए देखते हैं। मेरे भाई की बाइक थी यार ऊपर लगा रखे उसे हेलमेट देखो। ये डब्बा ही तोड़ देगी। बाइक खींचने वाली थोड़ी होती है। तो खींचने वाली तो खींचे। वाह भाई बहुत अच्छी बाइक है निशु। ये निशु तो यहाँ से खींच फट जाएगा। ये झूल में तो फट जाएगा। यो तो कार्डबोर्ड है तो और कैसी में। ए जी गाड़ी आई मेरे भाई। गाड़ी आ गई मेरे भाई। बाइक बाइक पे बैठना। तू गाड़ी में बैठना है।
एक इसलिए छोटा बड़ा करने जुलाया करता जी तू छोटा ना रह रहे उसे टोपिन तो तार दे बहुत बड़े हो गए उस तो है जब वो छोटे छोटे होते हैं ना बिल्कुल उनको बिठा के घुमाते हैं ऐसे बच्चों को इतने बड़े को थोड़ी बाइक बाइक पलटी होगी बाइक पलटी होगी बाइक पलटी होगी सर लग तो चलिए कहते तो पलट गई बाइक तो जी कती पलट गई कर देगा तू बंद कर चाबी तू बोली थी पापा कर दो ना बंद पापा पूछ क्या पहले चल दिए जी थोड़े से राउंड मार के आ जाती हूँ वो तो रहा अंधेरा हाँ भाई अभी कराया आज पुशअप्स कराटे सब गिमी आ गए जब बच्चों को लेने आ गए नमस्ते बेटा नमस्ते योशिनी आई बता देना फिर सिर दुख रहे हो आज तो पहले तेरे बुआजी को सिर में दर्द हो रहे हो सच मन काल परसों बताई थी कि वो नान और पनीर खाने जी करो पनीर सब्जी आज गांव की बर्फी चाहिए जी ब्याह शादियां वाले में बर्फी खाने जी करो चटोरी हो रही है पूरी है क्या अरे वे ना चाहिए बेटा गांव की शादियां वाली चाहिए ना वैसी ना चाहिए तेरे बुआजी ने बरा की तो इसी है आइसक्रीम खा रहे हो मैं भी अपनी लेके आता हूँ आइसक्रीम पार्टी हो गई बुआजी दे रही है आइसक्रीम पार्टी बुआजी पार्टी देती रही खा तो मत शर्म रखा मैं अपनी लेके आता हूँ जल्दी हाँ भाई निशु मत दिखाओ मैं बिरचेगी निशु देखेगी जब लोग मेरे को नहीं खिलाई निशु बच गई जी निशु आज आई नहीं और हम सब ने कर ले ओ यो भाई तो दूसरी ले आयो अरे ये दूसरी ले आयो सब बहुत बहुत ज्यादा मच्छर हो रहे हैं जी पर देख लो उठ के जाने का मन नहीं कर रहा आराम से बैठे मच्छर खा रहे खाए जाने दो ये निशुन मत करो निशु को मत चिढ़ाओ भाई वहाँ एक की जगह फिर दो मांगेगी उन्होंने एक खाई मुझे चिढ़ाया मुझे दो चाहिए फिर दिलानी पड़ेगी कल मिलेगी बुआजी ना क्यों ना मिले बुआजी तो रोज मिलेगी चल घर पहुंच लो मेरे भांजे भांजी जी आइसक्रीम खाने के चक्कर बातों बातों में साइकिल भूल के आ गए उधर ही और पुराने जाके याद आती ठीक है चल ठीक सर चलिए कल मिलते हैं चलो खाने में बना रही हूँ बच्चों के लिए जी ओट्स क्योंकि इसको मैं भिगो के गई फिर तो बस बन जाएगी अभी थोड़ी देर चलाना पड़ेगा और सब्जी वब्जियाँ रखनी है ये थोड़ी सी फ्रूट्स तो रख दिए थे किचन का काम खत्म करती हूँ आज के व्लॉग को यहीं पर खत्म करते हैं आई होप आज के व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा पसंद आया प्लीज लाइक करना शेयर करना कमेंट करना सब्सक्राइब कर देना अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखना कल फिर मिलूंगी अगले व्लॉग में आप सभी को शुभ रात्रि राम राम जी